वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, किसका 9261 का। तो क्या करते हैं, जब भी हमने क्यूब रूट या स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो नंबर गिवन होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो नंबर है इसके हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करती हैं, अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो हम क्या करते हैं, रूल मैं आपको बता देती हूँ कि लीस्ट नंबर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स ही आने हैं आपके पास, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं। अगर तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हमने यहाँ पर 2 ही लेना है, और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता फिर हमने देखना है हम यहाँ पर 2 तो नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं कि नहीं, 3 भी नहीं ले सकते तो फिर देखना है 5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। 5 के बाद प्राइम नंबर 7 है, 7 ले सकते हैं कि नहीं। तो प्राइम नंबर का तो पता है ना, ऐसा नंबर जो कि सिर्फ अपने जो है टेबल में ही आता है, अपने जो है, या ये कह लो कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक वो 1, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर वो खुद और एक 1। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। डायरेक्टली भी पता चल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, हमारे पास ये होता है कि अगर किसी नंबर को चेक करना है ना डायरेक्टली वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर लो। उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर का तो लास्ट डिजिट 1 है ना, इनमें से 0 है ना, 2 है ना, 4 है ना, 6 है ना, 8 है। तो हम यहाँ पर भी 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है इनमें से होता तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाना था। तो 2 तो नहीं हम ले सकते, तो हम 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमारे पास क्या होता है, किसी नंबर को चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा डायरेक्टली, तो हमारे पास ये रूल होता है कि जिस नंबर को चेक करना है उसके डिजिट्स को प्लस कर देते हैं यहाँ पर। तो प्लस करने पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 9 + 2 + 6 + 1। तो हम देखते हैं प्लस करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 9, जैसे मर्जी प्लस कर लो, 10, 16, 18। तो प्लस करने पे 18 आ रहा है। अगर सॉल्व करने पे, प्लस करने पे हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल में आता हो तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसके साइड डिजिट्स को प्लस किया, 18 आया, 3 के टेबल में 18 आता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। डायरेक्टली पता है 3 के टेबल में 9261 कितने टाइम आता है, तो आप यहाँ पर लिख लो। नहीं पता तो आप ये कर सकते हो, दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करूँगी यहाँ पर कि 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो क्या करेंगे, 26 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 डिजिट्स को इकट्ठे करेंगे तो एक 0 इधर आ जाना है। 3 के टेबल में 26 तो नहीं आता, 26 से छोटा हमारे पास आता है, 3 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम। ये 26 था, हमने 24 को सॉल्व किया, इसका 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 21, 3 के टेबल में 21 आ गया 7 टाइम। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो हम इसको अब ज़रा नीट कर लेते हैं, अगर आपको इस तरह की समझ आ गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप वही कर लो, डिवाइड कर लो। अब हम अगेन यहाँ पर 3 ले सकते हैं, नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। 3 + 0 + 8 + 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इनको प्लस कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर लें, फिर 18 आ रहा है। तो प्लस करने पे 18 आ रहा है, 3 के टेबल में 18 आता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, अब डायरेक्ट ऐसे सॉल्व हो जाना है, 3 1 टाइम 3 आ गई, 0 का 0 आ गया। अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा जो है हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। हम इसे कट करके क्या बना लेंगे, 6 बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 3 कितने टाइम 6 हो जाएगा, 2 टाइम। ये 8 था, हमने तो 6 को सॉल्व किया, इसका 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 27। 3 के टेबल में 27 आता है, 9 जाए तो 9 टाइम्स आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9 2 9 आ गया। अगेन यहाँ पर 3 ले सकते हैं तो चेक कर लेते हैं, 1 + 0 + 2 + 9, तो हमारे पास क्या आता है, 12 आ रहा है। प्लस करने पर 12 आया, 3 के टेबल में 12 आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 के टेबल में जब 12 आता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 के टेबल में अगर डायरेक्टली पता है कितने टाइम 1 0 2 9 आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वही काम कर लेते हैं। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से छोटा 9 आता है, तो हम कट करके 9 बना लेते हैं। 3 कितने टाइम 9 होगा, 3 टाइम। ये 10 था, हमने तो 9 को सॉल्व किया, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 12। 3 के टेबल में 12 आ गया, 4 टाइम। 3 के टेबल में 9 आ गया, 3 टाइम। अच्छा, अब हमने स्टार्ट में 2 डिजिट्स को सॉल्व किया, तो 0 ना तो इधर आना ना इधर आना, इधर हमने 2 डिजिट्स को किया था ना यहाँ पर, तो इसलिए 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इसको ज़रा नीट कर लें,
उसके बाद अगेन देखते हैं कि हम 3 ले सकते हैं कि नहीं, तो डायरेक्ट भी कर लो 4 और 3 7, 7 में 3 प्लस करो 10 आता है, तो प्लस करने पर 10 आ रहा है 3 के टेबल में, तो 10 नहीं आता, इसका मतलब है पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से तो नहीं होगा तो फिर हम क्या कर लेते हैं, 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ही होता है, जिस नंबर को चेक करना उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट 3 है ना 0 है ना 5 है, तो यहाँ पर 5 से भी नहीं होगा तो हम फिर 5 भी नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, तो 7 से ये हो जाएगा, देख लेते हैं। 7 के लिए रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट में उसी को ऐड करो, 3 में 3 को ऐड करके यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें से रिमेनिंग किया 34, उसको माइनस कर देते हैं, तो 34 में से 6 को माइनस किया 28 आ गया, 7 के टेबल में 28 आता है, तो पूरा नंबर भी 7 से सॉल्व हो जाना, डिवाइड हो जाना, तो हम यहाँ पर 7 ले लेते हैं। 7 के टेबल में 343 कितने टाइम आता है डायरेक्टली पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम ये काम कर लेते हैं कि 3 के टेबल में 34 नहीं आता, 34 से छोटा जो है 7 के टेबल में 28 आता है, 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम, ये 34 है, हमने जो है 28 को सॉल्व किया, इसका 6 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बन गया 63, 7 के टेबल में 63 आ गया 9 टाइम्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया 49। अगेन जो है हमने क्या करना है, अगेन 7 ले सकते हैं, यस यहाँ पर 7 कितने टाइम 49, 7 टाइम 7 कितने टाइम 7 1 टाइम, तो ये जो सभी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं इस नंबर के 9261 के। अब हमने क्या करना है, हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, अगर स्क्वायर रूट करना हो ना फाइंड, तो हम ये काम करते हैं कि ओनली ये लिख लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, लेकिन अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो ये बन गया क्यूब रूट, जब हम यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं, जो नंबर गिवन है उसको हमने क्यूब रूट के अंदर लिख लिया, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं क्यूब रूट के अंदर क्या कर लेते हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं ना, इसके जो फैक्टर्स हैं अभी हमने फाइंड किए वो हम लिख लेते हैं, 3 times 3 है और हमारे पास क्या है 3 times 7 है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फिर क्या हो जाना है हमारे पास, फिर ये हो जाना है क्यूब का क्यूब आ जाएगा, 3 times 3 है तो 3 की पावर 3 आ जानी है, और 7 times 3 है तो 7 की पावर 3 आ जानी है, हमारे पास क्या होता है क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाते हैं, जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो गए, ये 3 आ गया बाहर और ये वाला 7 आ गया बाहर, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो हमने क्यूब रूट फाइंड किया 9261 का, तो हमारे पास आंसर आ गया 21। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्यूब रूट फाइंड करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्यूब रूट के ऊपर भी, स्क्वायर रूट के ऊपर भी, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी। होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक।